अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई है। जैसा कि आप भी भिज्ञ हैं कि बद्रीनाथ में हमारा कोई ऐसा रेगुलर सर्विस नहीं होता है, केदारनाथ में होता है। और अभी 2 दिन पहले भी मैं जब केदारनाथ गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनकी हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। बद्रीनाथ में चूंकि कोई रेगुलर टाइप की सेवा नहीं है और न ही कहीं से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, तो हमें अभी नहीं पता है कि किस वजह से, क्या मौसम की वजह से, क्योंकि बर्फबारी भी उस एरिया में हो रही थी, या डिमांड न होने के कारण। तो अभी उसकी ज़्यादा जानकारी अभी शासन स्तर पर नहीं है। सर एक लास्ट टाइम, ये जो कम उनका ऑब्जेक्शन का जवाब उन्हें दे भेज दिया। क्या ऑब्जेक्शन लगाया सर उन्होंने? वो दो तीन ऑब्जेक्शन थे, अभी मुझे पूरा याद नहीं है, और जवाब उनका जा चुका है। तो कब कब तक हम ये मानेंगे सर, जो यात्री परेशान हो रहे हैं, जो हवाई सेवा यूज़ करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी 2-3 दिन। सर दूसरा सवाल।